जैसे ही बात हुई उसने कहा बस 5 दिन में शादी करवा देंगे, तुम्हें एक पैसा भी देना नहीं, मेरे घर में हम शादी कर देंगे। उसने उस बालाजी के पोतों को उस लड़की ने सर पे उठा लिया और नाचने लगी और कहने लगी प्रभु तुम्हारी अपरंपार कृपा है, मेरे पिताजी ने कहा। जैसे ही उन्होंने कहा और फोटो लेने के बाद शादी हुई और वो बालाजी को गए। बालाजी को जाके अन्नमया को कहा कि तुम्हारे कहने से 5 दिन में मेरी बेटी की शादी हुई। तब से वहाँ एक प्रथा पड़ी है, आप साउथ में कहीं भी जाओ लड़कियों की शादी है तो नित्य भगवान वेंकटेश्वर और बालाजी पद्मावती की शादी का उसका टिकट लगता है। टिकट नहीं मिलता, रोज कम से कम 500 लोग बैठे हुए होते हैं उन शादी के उस कार्यक्रम को करने के लिए। अब श्री शरण के मल्लिकार्जुन स्वामी के पास बहुत सारे मंदिरों में ये होता है कि जिसके घर में शुभ कार्य नहीं होता उसमें उसके घर में ये पाणी ग्रहण महोत्सव मनाने का मनाकर मन्नत करते हैं। एक प्रकार का कहते हैं कि अगर मेरे बेटे की बेटी की घर में शादी पक्की हो गई या मेरे परिस संकट का चले गया, मेरे घर में शुभ कार्य होना चाहिए, शुभ कार्य हुआ तो मैं यह पाणी ग्रहण महोत्सव मनाऊंगा और वो कल्याण करने के लिए वहाँ आते हैं। तो इसके बाद मैंने जिस दिन गुरु जी ने कहा कि पाणी ग्रहण महोत्सव का क्या प्रधान है, क्या मुख्यता है, तो मैं यही बात वहाँ समझाते हुए कहा कि जब बालाजी वेंकटेश्वर हो या लक्ष्मी नरसिंह हो या श्री शैल मल्लिकार्जुन हो, इन सभी का कल्याण करना चाहते हैं तो मेरे गुरु में मैं इन सारे देवताओं को देखता हूँ, तो मेरे गुरु का प्राणी गुरु महोत्सव क्यों नहीं मनाया, जो मनाएगा उसके घर में शुभ कार्य होगा। और जैसा ही मैंने ये बात कही गुरु जी सुन रहे थे और गुरु जी उनके हंसते हुए कहा जोशी ये तू बोल सकता है, वो हंसते उनकी मोहब्बत से मुझे पता चल गया कि जो वो ये मुझसे कहलवाना चाहते थे वो उन्होंने वो बात कहलवा दी। और उस दिन गुरु जी के जो लेमिनेशन के चित्र वगैरह रखे थे बहुत सारे लोगों के, और आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाणी ग्रहण महोत्सव अपने गुरु का किस लिए मनाना, कि गुरु को ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जब तुम्हारे घर में सालों से कोई शुभ कार्य नहीं होता, जब तुम्हारे घर में कुछ कार्य नहीं होता तो एक बार गुरु जी का शुभ कार्य, गुरु की शुभ कार्यों में या देवता के शुभ कार्यों में होता है उनका जन्मदिन मनाना या उनको पाणी ग्रहण महोत्सव मनाना, और उसके बाद होता कुछ नहीं है। एक दिन मना से हमारे घर में शुभ कार्य का होना बहुत बहुत ही बहुत एक प्रकार की उच्चता है या आपकी मनोकामना पूर्ति की एक साधना है, ये जन्मदिन मनाना या पाणी ग्रहण महोत्सव मनाना। बात यह भी कि हम आप अगर केरल जानते हैं तो केरल में भी एक जगह है जहाँ भगवती माता का टेम्पल है जिसे चंगनूर नाम से जाना जाता है। तो एक बार आपको बताएं महर्षि अगस्त्य जिसके शिष्य मेरु पर्वत थे तो मेरु पर्वत को एक बार लगा कि संसार में कौन ऊंचा है, तो सबने कहा हिमालय ऊंचा है, विंध्या पर्वत ऊंचा है। तो उसको अपने गुरु को याद आई और उसने मेरु पर्वत ने कहा कि मैं मेरे गुरु का नाम आगे बढ़ाना चाहिए, मेरे गुरु का मैं शिष्य सबसे ऊंचा होना चाहिए, ये विंध्या पर्वत हो या हिमालय पर्वत कैसे श्रेष्ठ है, मैं ही बनाऊँगा कि मैं मेरे गुरु का शिष्य हूँ। और वो मेरु पर्वत एकदम बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते इतना ऊंचा बढ़ गया कि उत्तर और दक्षिण के बीच में खड़ा हो गया, दक्षिण वालों को सूर्य का उगना भी नहीं दिखने लगा, उसको आना खड़े हो गया, सभी लोगों ने हाहाकार मच गया, सभी ऋषियों ने कहा कि भाई मेरु पर्वत बोलता था कि नहीं मैं मेरे गुरु का शिष्य हूँ और मैं मेरे गुरु का नाम रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतना बढ़ गया। अब कितनी देवताओं के ऋषियों के प्रार्थना करने पर भी वो नीचे नहीं हो रहा था। आखिर सब देवताओं ने जाकर महर्षि अगस्त्य से कहा कि आप उसके गुरु हो, वो आपकी बात सुनेगा, हमारी बात नहीं सुनता, आप कुछ ना कुछ करो। महर्षि अगस्त्य ने कहा सही गुरु के लिए ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। महर्षि अगस्त्य आए मेरु पर्वत के पास आए और बेटा ही बोलना ही था कि मेरे पर्वत ने कहा एक बात कह देता हूँ गुरु जी, मेरे को नीचे उतर जा ऐसा नहीं कहने का, बस मैं तुम्हारा नाम रखना चाहता हूँ, मैं बराबर रहता हूँ, बाकी आप जो भी कहो करने के लिए तैयार हो। ऐसा आए थे अगस्त महर्षि उसी के लिए कि मैं तुम्हारा नाम ऊँचा, बोले बेटा तू जो कहता है बहुत सच है, तो ऐसा ही कर कि तू बहुत ऊंचा उठ के रहना है, मैं भी यही आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन क्या है काम वर्ष में थोड़ा एक काम पड़ गया है, क्या मुझे दक्षिण की तरफ जाना है और वहाँ वेद नहीं है, वेद की स्थापना करनी है, बस वैसा ऐसा गया यूँ आया, मैं जब तक जाकर ना आऊँ तब तक तो नीचे रहेगा, आने के बाद तो फिर ऊपर बढ़ते जाना। महर्षि अगस्त दक्षिण की तरफ आ गए तो उत्तर की तरफ गए नहीं और ऊपर नीचे ही रह गया। अब गुरु है, गुरु तो बाप होता है, शिष्य कितना भी गए उसे जानता है कि शिष्य को कैसे झुकाना चाहिए, उन्होंने उसको मेरे पर झुका दिया। बाद में अगस्त दक्षिण में आके रह गए सबके कहने पर। बात ये हुई कि अगस्त यहाँ रहने पर शिव और पार्वती का कल्याण हो रहा था, शिव पार्वती का की शादी हुई हिमालय में, तो महर्षि सभी सप्त ऋषियों को सभी लोगों को बुलाया गया, लेकिन महर्षि अगस्त नहीं गए।
वहाँ भी शरण स्थल हो जाती तो फिर मेरे ऊपर उठ उठ के खड़ा हो जाता, अब कैसे करें, सब शादी हो गई तो वही तो वहाँ शरणस्थ बहुत ही श्रेष्ठ विद्वान कहलाए जाते हैं। उन्होंने पूरे समुद्र को 3 आसमान में पानी पीकर खत्म किया था, इतने महान थे। तो उन्होंने भगवान शिव से और माता पार्वती से प्रार्थना की, प्रभु आपकी शादी में सभी लोग आए, सभी लोगों ने शादी की, मैं लोक कल्याणार्थ दक्षिण में आ गया और आपकी शादी को नहीं आ सका, तो एक बार मेरे लिए आप यहाँ आकर शादी कर लो दक्षिण में। अब वो तो भक्त थे, उनके कहने पर उन्हें आना ही था। सारे लोग शिव पार्वती जी अगस्त महर्षि के कहने पर जो चंगनूर नाम का स्थान है वहाँ आए, और वहाँ फिर ऐसे पाणी ग्रहण महोत्सव बनाने के लिए अगस्त की तिथि के लिए मैं तुम्हारी शादी देखना चाहता हूँ, मेरे घर मेरे पास शुभ कार्य हो, तो आए और उनका शुभ कार्य मनाने। तो शुभ कार्य जैसे ही मनाने लगे तो सारी देवताएं आने के बाद पृथ्वी एक तरफ झुक गई पूरी। अब कैसा हूँ, तब महर्षि अगस्त कहते हैं कि मैं जब तक शादी नहीं होगी तब मैं मेरे पर्वत को कहता हूँ कि वो इसका बैलेंस करे, और मेरे पर्वत ने पूर्ण वजन देते हुए 33 कोटि देवताओं का वजन एक तरफ करते हुए कहा कि मैं जब तक शिव पार्वती जी की शादी नहीं होती तब तक मैं इस श्रेष्ठता को बनाए रखता हूँ कि पृथ्वी को एक तरफ झुकने नहीं देता। शादी संपन्न हुई, आज भी हम जाते हैं जैसे कामाख्या में है वहाँ माता पार्वती ऋषि की शादी, आज शादी का कल्याण होना था, कल्याण हुआ कि माता पार्वती को पीरियड आए। आज भी कामाख्या में जैसा होता है वहाँ हर महीने के 3 दिन के लिए माता पार्वती को फिर इसमें बनते हैं, किसी को देखने नहीं देते, केवल स्त्रियों को ही प्रवेश होता है, और वहाँ ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं कि जो स्त्री अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कामना करती है कि मैं यहाँ आकर दर्शन लेकर तुम्हारा दर्शन करके जाती हूँ और तुम्हें ये करती हूँ, तो निश्चित रूप से वहाँ पीठ की तरफ शिवजी है और एक तरफ माता पार्वती है, और उनकी इच्छाएँ निश्चितता ज़्यादा करते तो लड़कियों की शादियों के लिए तो बहुत प्रसिद्ध स्थान है जहाँ लड़कियों की शादियाँ नहीं होती, या घर में लड़कियों की शादियाँ नहीं होती। मेरे पास उदाहरण है, विशाल रेड्डी नाम के शिष्य हैं मेरे, वो आया था तो मैंने उसको ये सब ऐसी कहानी सुनाई थी कि उसकी बहन की शादी नहीं हो रही थी, तो उसने कहा गुरु जी मैं यहाँ मन्नत करूँ क्या, बोले क्या कर दृष्णा की लेता हूँ और माता जी को साड़ी चढ़ाता हूँ। जैसा ही उसने मन्नत करके घर पाया उसकी बहन की शादी हो गई। मेरे सामने उदाहरण है कि वहाँ एक प्रकार का लोक कल्याण और शुभ कार्य करने का एक विधान है और वहाँ उस विधान से उनकी पूजा की जाती है, तो उस वहाँ भी इस कल्याण करने का तरीका है। तो मैं आपको यहाँ यही बताना चाह रहा था कि महान लोगों का अगर कल्याण महोत्सव हो या जन्मदिन जो कोई मनाता है उसके घर में कभी अशुभ नहीं होता, उसके घर में ऐसा नहीं आता, लेकिन भावना और खेल से करना चाहिए। साले क्या आया गुरु हर साल आके मेरे पास जन्मदिन कर लेता है, ये अगर मन में समझते हैं तो काम नहीं होता, मन से करना चाहिए, जो भी करना चाहिए तो उसका फल जरूर मिलता है। और ये मेरा भी आज आश्रम देख रहे हैं, आश्रम में मैंने भी 22 सालों से भी पहले से भी मैं जन्मदिन फंक्शन हॉल लेकर जन्मदिन मनाता था, और जो भी आश्रम इतना हुआ इतना बढ़ा और आगे बढ़ रहा है इसका कारण मेरे गुरुजी का, और मेरे गुरुजी के कारण ही आश्रम में जो कुछ भी शुभ कार्य होते हैं कहते हैं कि आज भी बहुत सारे हमारे शिष्य महाराज भी कहते हैं यहाँ क्या है नित्य कल्याण पचतर, इसका अर्थ होता है नित्य कल्याण है, और रोज़ आम के पत्ते लगाते हैं हम दरवाजे पे, कब अच्छे शुभ कार्य को ही लगाते हैं, तो ये रोज होता है आश्रम में, ऐसा उनका कहना है। तो इसका कारण ये है कि तुम्हारे घर में जितनी इस जन्मदिन को किसी गुरु के किसी अपने इसको जन्मदिन मनाते हैं या उसका पाणी ग्रहण जो मनाते हैं तो कहते हैं कि घर में शुभ कार्य निश्चित रूप से घर में होते ही होते हैं और सब आनंद का कार्य बनता है। आज और जो मनाने के बाद जो गुरु नाम का चीज होता है वो तो अपने शिष्यों के साथ तो सारी चीज़ें करता है, लेकिन जन्मदिन महोत्सव यही होता है कि भगवान उस महान आत्मा को जो इस पृथ्वी पर भेजता है, चाहे गुरु हो चाहे देवता हो चाहे श्री राम हो कृष्ण हो गुरुजी हो, इनको भेजता है इसके लिए भेजता है कि वो लोग कल्याण करें, लोगों को मैं प्रेम बांटे, लोगों में आनंद बांटे, लोगों में सुख बांटे, इसलिए वो भेजता है। तो ऐसा दिन जिस दिन वो इस पृथ्वी पर आए और ये कार्य करने के लिए आए वो दिन तो हमारे लिए गिफ्ट ही है, वो तो प्यार का तोहफा है ही है, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आए हैं, तो उस प्यार की तोहफा को लेकर भगवान भेज देते हैं कि तुम्हारे घर में शांति प्रदान करें, तुम्हारे घर में तुम्हारा कल्याण हो, इसलिए देवताओं का जन्म होता है और इसलिए हम जन्मदिन और लोक कल्याण का कार्यक्रम करते हैं कि उनका पाणी ग्रहण महोत्सव मनाना या उनका जन्मदिन मनाना। जिस किसी ने भी मनाया उसके जीवन में अगर वो अपने मन से कार्य करता है तो उसके घर में वो शुभ कार्य जरूर होने ही लगते हैं, यह हमारा नहीं हमारा शास्त्र कहता है। हम तो आज हमने ये सोचा
कि आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा मैंने सोचा कि महाशिवरात्रि आज 144 साल के बाद शनि प्रदोष के दिन महाशिवरात्रि हुई, और कल जो अमावस्या है उस अमावस्या हम नर्मदा के किनारे मना रहे हैं, और सोमवती अमावस्या भी कह रहे हैं, लेकिन सोमवार के दिन अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और ये माघ मास की अमावस्या कहते हैं कि सारे पापों को धुलाकर हमें अच्छे दिन को प्रदान करने वाली एक श्रेष्ठ अमावस्या कहलाई जाती है। इस दिन नर्मदा स्नान करके जो भी एक विशेष मंत्र से, आज तक किसी ने भी उस मंत्र को नहीं दिया, और हमारे आश्रम में मैं कभी कभी करवाता हूँ, जो शहद लाकर अन्न के साथ 108 आहुति प्रदान करता है अग्नि में, हवन में, और एक नारियल डालता है, उसकी निश्चित कामना पूर्ण होती है। वो मंत्र इस तरह है कि ओम ह्रीम प्रमोदयित्री राम द्रम ओम फट प्रचोदयात ओम फट स्वाहा, ये मंत्र है। ये मंत्र आज तक किसी ने आपको नहीं कहा होगा, ये मंत्र की 108 आहुति, अगर कोई भी साधक आज रात में कल सुबह तक इस मंत्र का 1000 पाठ करके 108 आहुति शहद के साथ डालता है तो उसकी निश्चित मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा काल है। ये सोमवती अमावस्या के दिन नर्मदा नदी के किनारे ये कार्य करना श्रेष्ठ कार्य है। तो मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ आया हूँ तो प्यार के तोहफे के साथ साथ कोई ऐसा तोहफा भी दूँ जो आपके जीवन में काम आ सके। तो मैं कहता हूँ कि यह जो मंत्र मैं आपको बोला हूँ, कल सुबह तक अगर इसका मंत्र पूर्ण करते हैं तो हम नदी स्नान करके आने के बाद हम इसका हवन करेंगे शहद और अन्न के साथ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। और जो चाहते हैं कि अपनी मनोकामना पूर्ण हो तो इसके साथ साथ वो अगर एक नारियल सूखा नारियल आधा नारियल जो भी हो पूर्णाहुति में डालते हैं तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवती अमावस्या मैं परमपुरुष सद्गुरुदेव जी का के मार्ग पर चलने वाला एक साधक हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी उसी मार्ग पर चलाऊँ। साधक का ये कर्तव्य होता है कि मार्गदर्शन करें, ऐसा मार्गदर्शन करें कि आप अपने जीवन में कभी ये बात याद रखें कि हाँ उन्होंने देखा, मैं पैसा दूंगा तो भी खर्च हो जाएगा, अन्न दूंगा तो भी जीर्ण हो जाएगा, कपड़ा दूंगा तो भी फट जाएगा, लेकिन विद्या का ज्ञान दान ऐसा है वो आज नहीं तो आने वाली पीढ़ियों तक काम करता है। कभी आपके डायरी में अगर यह मंत्र लिखकर आप कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन यह मंत्र से जो 1000 बार पाठ करके 100 आहुतियाँ देते हैं उनकी निश्चित कामना पूर्ण होती है, तो वो डायरी अगर आपके पोते भी पढ़ते होंगे, बच्चे भी पढ़ते होंगे, उनको याद आया और उनके जीवन में भक्ति होगी तो वो अगर करके देखें उनकी चाहे युग कौन सा भी हो इच्छा जरूर पूर्ण होगी। मैं आपको प्यार के तोहफे में यही मंत्र दे रहा हूँ जो हमें कल करना है। कल सुबह तक आप जो लोग भी हो इस मंत्र को अगर 1000 बार पाठ करते हैं तो कल सुबह मैं इसकी 108 आहुतियाँ प्रदान करने के लिए आपको बुलाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सबको संपन्नवान बने, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आपने आज जो ये कार्य किया है मेरे ये पाणी ग्रहण महोत्सव का, माता को दुल्हन के रूप में तैयार किया है, कोई बात नहीं, मैं दूल्हा हूँ फिर भी आप तैयार करो या ना करो मैं आशीर्वाद देता हूँ। अब आप आगे का कार्यक्रम आप मनाएंगे, मेरा काम मैं यहाँ तक जो बोलना था हो गया, आगे का काम आपकी इच्छा से हो। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, वंदनीय माता जी की जय, गुरुदेव की जय, सब सिद्धाश्रम की जय, सब सिद्धाश्रम साधक परिवार की जय। बोलो हर हर महा